तेलंगाना में 10वीं क्लास के पेपर लीक का सिलसिला जारी है। कल पहला तो आज दूसरा पेपर लीक हो गया। कुछ दिन पहले TSPSC की ओर से सरकारी भर्तियों का पेपर लीक भी हुआ था। ये सब मुद्दे शांत नहीं हुए तो अब 10वीं क्लास का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। सोमवार को सिकंदराबाद जिले में तेलुगु पेपर लीक हुआ था, तो अब हिंदी का पेपर पुलिस को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मिला है। शिक्षा मंत्री सविता इंद्र रेड्डी ने ट्वीट किया कि पहली बार बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री KCR का पुतला फूंका। यही नहीं, उन्होंने शिक्षा मंत्री सविता इंद्र रेड्डी के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। उन्होंने लीक कांड की पारदर्शी और न्यायिक जांच की मांग की। बीजेपी ने इस पेपर लीक कांड पर KCR सरकार को घेरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, KCR भ्रष्टाचार का कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ते। చిన్న పిల్లలు పసి పిల్లలు అసలు ఈ ప్రభుత్వానికి కనీసం పరీక్షలు నిర్వహించేటువంటి చాతగంతలు ప్రభుత్వం ఉంది. విద్యా సంస్థల నిర్వహణ చాత కాదు. ఆ పాస ట్రిపుల్ ఐటీ మొత్తం నాశనం చేసి పడేసింది। प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य शिक्षा विभाग ने 3 लोगों को सस्पेंड किया है, जिसमें एक मुख्य अधीक्षक, एक विभागीय अधिकारी और एक निरीक्षक शामिल है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि ये परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन लेकर गए और प्रश्न पत्र की फोटो लेकर उसे विकाराबाद में लीक कर दिया।